तो कई मर्तबा होता है कि दीन के नाम पर कुछ ताकतें उठती हैं और वो बिल्कुल एकदम से छा जाते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है कि जैसे सैलाब में झाग आता है, अम्मज़ब फ़याज़ब जुफ़ा, अल्लाह ने कहा वो झाग छा जाता है वक्ती तौर पे और फिर वो खुश्क हो जाता है और बेकार की चीज़। अम्मा मा यनफ़ऊ नास, और जो असल पानी लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ है, वयम हम उसे बरकरार रखते हैं। तो इसलिए इस्लाम के नाम पे बहुत सी तहरीकें उठती हैं, बहुत से लीडर्स उठते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि असल दीन जो है ना, खुदा इसे ज़ाय नहीं होने दे। 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल तहरीक चल गई, आखिर पे सब मलिया मेट हो जाता है और सब झाड़ू फिर जाता, वो चीज़ें रहती ही नहीं। परवेज़ की आन बान ज़ाहिर है कि हम लोगों ने देखी नहीं, लेकिन पढ़ा है और बचपन में सुना है। अयूब खान परवेज़ के हाथ में थे, जो चाहता था उससे मनवा लेते, और उसने हदीस के ख़िलाफ़ पूरी मुहिम चलाई कि उसने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इनसे कुछ साबित नहीं होता, ये जो मोहम्मद बिन सलमान ने हदीस पे तबसरे किए हैं, ऐसी चीज़ें थी। अब परवेज़ का नाम लेने वाले ही कोई नहीं रहा, कोई जानता भी नहीं कि कितना बड़ा फितना था। लाहौर में इन लोगों ने अजान भी अपनी शुरू कर दी थी, कहते थे कि अरबी की अजान का क्या फ़ायदा है, जिसे तुम नमाज के लिए बुला रहे हो उसे पता ही नहीं है कि तुम कह रहे क्या रहे हो, तो उर्दू में अजान दिया करो। लाहौर वाले ने कहा पंजाबी में अजान देनी चाहिए, फिर पंजाबी में अजान शुरू हो गई और ज़ोर ज़ोर से स्पीकर पे कहते थे अल्लाह वड्डा है, अल्लाह वड्डा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर का तर्जुमा था ना। तो जब पहली मर्तबा दी तो अवाम में जिन लोगों में खुदा का दीन उससे मोहब्बत, उन्होंने जाके इतना पथराव किया कि दूसरी अजान नहीं हो सकी। ये किस्से चलते रहते हैं, लेकिन खुदा का असल दीन कायम रहता है।